बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने संसद में एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। बजट पर भाषण देते हुए राजकुमार रोत ने कहा कि केंद्र का बजट देखा, राजस्थान का बजट देखा, पर ये बजट सरकार बचाने का है। बस भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने इस दौरान पीएम मोदी के एक बयान का जिक्र करते हुए भी उसका जवाब दिया। इसके साथ ही मानगढ़ का मुद्दा भी उठाया। मात्र 6 मिनट के भाषण में राजकुमार रोत के एक एक शब्द सुनने लायक थे। पक्ष और विपक्ष दोनों ने बजट को लेके काफी चर्चा हुई। देश का जब बजट आता है तो देश का युवा एक आस लगा के बैठता है कि इस बार कुछ अच्छा होगा। देश का गरीब, देश का आदिवासी, देश का SC ये आस लगा के बैठता है कि कुछ अच्छा होगा। हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में डंका बजा रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन केंद्र का बजट देखा, राज्य का बजट देखा, कुछ नहीं हुआ। और पूरा देश का ST SC आदिवासी समुदाय हो, युवा हो, सब ये लग रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार की दावा करने वाली इस बार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं सिर्फ बिहार का, कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश का और सरकार बचाने का बजट साबित हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जुमलेबाज का जो बजट आया है इस बार, देश की जनता देख रही है। मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, बांसवाड़ा। मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे चुन के भेजा। वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जिता के क्या करोगे। लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने ठान लिया था कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। और ये राजतंत्र तय करने का किसी को ठेका नहीं है, लोकतंत्र है। जनता ने ठान लिया था कि इस बार राजकुमार रोत जाएगा। मैं आपके माध्यम से, पूरे सदन के माध्यम से मेरी जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। मोदी जी ने कहा था वहां के बड़े बुजुर्गों को कि घर घर जाके राम राम बोल देना और चुनाव जिताना। वहां के बड़े बुजुर्गों ने ठान लिया और कह दिया था, और मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से संदेश पहुंचाया है उन तक। मुझे कहा था मोदी जी को कह देना कि देश के आदिवासियों को उजाड़ने का काम पिछले 10 सालों में हुआ है, देश के अंदर धर्म की राजनीति हुई है, देश में 15 लाख रुपए बेरोजगारों को नौकरी देंगे यूं करके 10 साल राज किया है, इस बार हम सबक सिखाएंगे। और उन्होंने मेरे माध्यम से मैसेज पहुंचाया है कि गुरु गोविंद की धरती है, मावजी महाराज की धरती है, संत सुरमाल महाराज की धरती है। मानगढ़ दाप में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, मोदी जी 2 बार आए, लेकिन मानगढ़ के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए एक शब्द नहीं बोल के गए, कुछ नहीं करके गए। तो उन्होंने मैसेज पहुंचाया है कि आदिवासी समुदाय जाग गया है और अब वो आदिवासी समुदाय नहीं रहा जो बांका में आ जाएगा और वोट दे देगा। माननीय सभापति महोदय, जो वर्तमान स्थिति बनी है, बजट के अंदर मैंने देखा धातुओं का खनन को लेकर उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दी गई, लेकिन ये खनन कहाँ हो रहा है? धरती पे हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, पहाड़ों में हो रहा है, जंगलों में हो रहा है, और वहां पर जीव जंतु रहता है और आदिवासी समुदाय भी रहता है। लेकिन आदिवासियों के समय के आदिवासियों के लिए क्या प्रावधान किया गया? आदिवासी इलाके के अंदर देखा जाए, आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है, उसको जमीन का पट्टा नहीं मिला हुआ आज तक, आजादी से पहले से बैठा हुआ है, लेकिन वो जमीन की बात करेगा। सभापति महोदय, यहां पर सत्ता को लेके होड़ मची रहती है, सत्ता पाने को लेके बोला जाता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है, उसके नक्सलवाद के नाम से मारा जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका हम देखते हैं, 11 साल की बच्ची को मारा जाता है और कहा जाता है कि नक्सलाइट थी। तीन चार साल के बच्चों को मारा जाता है, गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है। आदिवासियों की, जब भी आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा लगाया जाता है। सभापति महोदय, आदिवासी समुदाय को या SC समुदाय को फ्री की योजना, हम कहते हैं हमें फ्री की योजना मत दो, हमें हमारा हक दो, जल जंगल जमीन का मालिकाना हक दो। और संविधान के अंदर Schedule 5 के अंदर, Schedule 6 के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की है उसको धरातल पे लागू किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैंने देखा है भाजपा अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज कहते हैं, कई जगह कहती है बीफ खाओ, कई जगह मत खाओ। हमारे आदिवासी समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए। आजादी से पहले
1871 से लगा के 1951 तक अलग जनगणना हुई है। आज आदिवासी समुदाय कोई ईसा धर्म अपना रहा है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लिए लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। झारखंड के अंदर 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ अलग से आदिवासी धर्म कॉलम को लेके। वहां विपक्ष में भाजपा थी और भाजपा ने समर्थन दिया और कहा कि आदिवासी समुदाय धर्म व्यवस्थाओं में भले हिंदू हो ईसाई उसमें नहीं आता है, आदिवासियों की अलग परंपरा है, रीति रिवाज है, उनको धर्म कोड जारी किया जाए। लेकिन राजस्थान में अलग तरीके से माहौल बनाया जाता है। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी हैं आदिवासी रहने दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, लंबे समय से देखा गया है, कहते हैं वनवासी, कोई कहता है कुछ और, हम कहते हैं हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो देखा गया है कई बार कि जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था के अंदर हम कई बार कहते हैं हमें कुछ मत दो एजुकेशन को लेकर। नई शिक्षा नीति, मुझे लग रहा है अभी घंटी बजने वाली है, मैं 2 मिनट में मेरा समाप्त करूंगा। नई शिक्षा नीति के तहत ये प्रावधान किया गया है कि 6 साल का बच्चा होगा इसके बाद उसको पहली क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूँ निजीकरण को बढ़ावा देने का तरीका है ताकि प्राइवेट संस्थाएं खत्म हो, सॉरी सरकारी संस्थाएं खत्म हो, प्राइवेटकरण हो, ये कहा गया है। मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरी लोग माननीय सदस्य प्रधान बरुआ जी।